हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड टीके की दोनों खुराक पाने वालों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। यहाँ 3,08,00,000 से अधिक लोगों ने टीके की दोनों डोज देकर कोविड का सुरक्षा कवर प्रदान कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने बुधवार को हुई विशेष कैबिनेट बैठक में तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या में भी शामिल करने का निर्णय लिया है। अब प्रदेश सरकार बुजुर्गों को यूपी के अयोध्या में राम लला के दर्शन के लिए निशुल्क ले जाएगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये सरकार सभी जाति और धर्म के लोगों की मदद करती है। मुद्रा योजना से गरीबों को बहुत लाभ हुआ है। देश के 31,47,00,000 लोगों को इसका फायदा हुआ है। रायबरेली जिले की सलोन विधानसभा क्षेत्र में एक दिवसीय दौरे पर पहुंची सांसद स्मृति ईरानी ने ग्राम सभा ममुनी धरई में चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों से रूबरू हुई और परिषदीय विद्यालय में बच्चों से पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी ली। इसके बाद रेस्टोरेंट में आयोजित साख संपर्क अभियान के एक शिविर में प्रतिभाग किया। समीर वानखड़े पर लगे आरोपों की जांच को लेकर एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 5 सदस्यीय टीम आज दिल्ली से मुंबई पहुंच गई है। टीम के पहुंचते ही जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि इस टीम का गठन गवाह प्रभाकर सेल के द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए किया गया है। ज्ञानेश्वर ने कहा है कि एनसीबी कार्यालय से एकत्र किए गए दस्तावेज और रिकॉर्ड के आधार पर गवाहों को बुलाया गया है और उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। लुधियाना में बुधवार को इन्वेस्ट पंजाब समिट का आयोजन किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री तरणजीत चन्नी ने कहा है कि खेती में अब कुछ नहीं किया जा सकता है, अब पंजाब सरकार का फोकस इंडस्ट्री की तरफ है। उन्होंने कारोबारियों को आश्वासन दिया है कि सरकार अब उद्यमियों को कोई परेशानी नहीं आने देगी, आप मुझे कभी भी मिलने आ सकते हैं। उन्होंने दावा किया है कि पंजाब में 1,00,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है। चीन के नए भूमि सीमा नियम को भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक तरफा फैसला करार दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि एक ऐसा कानून लाने का चीन एक तरफा निर्णय जो सीमा प्रबंधन के साथ साथ सीमा के संबंधित मुद्दों पर हमारी मौजूदा त्रिपक्षीय व्यवस्थाओं पर प्रभाव डाल सके, हमारे लिए चिंता का विषय है। पंजाब में 27 अक्टूबर को पेट्रोल का दाम 108.89 रुपए प्रति लीटर हो गया है। डीजल का दाम 98.82 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं राजधानी चंडीगढ़ में डीजल 96.68 और पेट्रोल का दाम बढ़कर 103.88 रुपए प्रति लीटर हो गया है। लगातार बढ़ रही तेल की कीमतों से लोग परेशान हैं। वाहन चालकों के अनुसार लगातार कीमतें बढ़ने से उनकी जेब पर गहरा असर पड़ रहा है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA की बुधवार को हुई बैठक में राजधानी में 1 नंबर से सभी कक्षाओं के स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ इस बैठक में दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा करने की अनुमति भी दे दी गई है। इस फैसले की जानकारी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दी है। पाकिस्तान के नेशनल टीवी PTV स्पोर्ट्स पर मंगलवार की देर रात जमकर ड्रामा देखने को मिला है, जब टीवी एंकर पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का अपमान किए तो शोएब अख्तर ने ऑन एयर ही अपना इस्तीफा दे दिया और वो गेम ऑन है शो छोड़कर चले गए। बाद में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने PTV स्पोर्ट्स से इस्तीफा दे दिया है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।